हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नवंबर महीने के 12 से 30 तारीख के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या चेंजेस बदलाव आपको नोटिस होने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं, लेट्स सी। सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपकी राशि एक्वेरियस हैं यानी कि कुंभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो अगर आप कुंभ राशि को ही अपना राशि मानते हो, मतलब कि चाहे वो सन साइन के अकॉर्डिंग हो या फिर मून साइन के अकॉर्डिंग, टैरो में क्या होता है, जिस भी राशि को आप मन से एक्सेप्ट करते हो, आप खुद को समझते हो कि मैं इस राशि का ही हूँ, तो उस राशि के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो रीडिंग को तो ज़्यादा रेजोनेट होने की चांसेस रहता है। तो अगर आप एक्वेरियस राशि को अपना राशि मानते हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं। 9 of Cups। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है 3 of Cups। वाओ, एंड ओह माय गॉड, द सन का कार्ड है, एक मेजर अरकाना बॉटम ऑफ द डेक में है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, सो ओवरऑल तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो ये टाइम चलेगा लव लाइफ की साइड से 12 से 30 का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। बहुत सारा हीलिंग चेंजेस लेकर आ रहा है आपके लव लाइफ में, एंड ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है, आनंद देने वाला है, ब्रेक थ्रू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रस्ट एंड ओके चेंज। देखो चेंज जो चीज़ है ना, वो हर एक साइड से यहाँ पर दिख रही है मुझे। यहाँ पर है कंपैरिजन, फाइन। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस टाइम पर डेफिनेटली कंपेयर कर पाओगे आपके पास्ट में जो भी सिचुएशन आपके साथ हुआ है या फिर आपने नोटिस किया है अपने लव लाइफ में, उसके साथ आपका जो प्रेजेंट का टाइम चलेगा, मतलब कि ये जो नवंबर महीने का 12 से 30 होगा, इस चीज़ को आप अच्छे से महसूस कर पाओगे कि नहीं, चीज़ें चेंज हुआ है, चीज़ें बदल रहा है आपके लव लाइफ में। जो इंसान आपको लेकर सोचता नहीं था, वो इंसान धीरे धीरे से आपको लेकर सोच रहे हैं। जो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता था, वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करता था, वो इंसान आपको धीरे धीरे ट्रस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस, हीलिंग आपके लव लाइफ में बनती हुई आप डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे, एंड जिसकी वजह से आप कंपेयर कर पाओगे चीज़ों को। इतना ज़्यादा बोल्ड बदलाव होगा कि इग्नोरेबल नहीं होगा एटलीस्ट। ओके, यस, यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वॉटर साइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एंड लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, मतलब कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ लियो की एनर्जी है। ओके, सो फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 9 of Cups के साथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जिस इंसान के साथ आप चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे, आगे ले जाना चाहते थे, उस इंसान के साथ हो सकता है आप शादी करना चाहते हो या फिर कोई कमिटमेंट मांग रहे थे, कोई कुछ डिमांड्स था बहुत बड़ा आपका। सो वो चीज़ें यहाँ पर सक्सेसफुली डन होती हुई दिख रही हैं। अगर आप किसी इंसान को बहुत टाइम से कमिटमेंट देने के लिए फोर्स कर रहे थे, आप चाहते थे मन ही मन कि वो इंसान आए, आपको प्रपोजल दे, आपको कुछ ऐसा कहें या फिर आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे जिसके दौरान चीज़ें डेफिनेटली अचानक से आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होने वाला है, एंड बहुत अनसर्टेन वे में होने वाला है। आप समझ नहीं पाओगे कि अचानक से वो इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा कैसे सोच रहा है एंड एक्शन ले रहा है। फाइन, थ्रू आपकी लव लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटीज आएगा, इसके थ्रू एक ब्रेक थ्रू नज़र आ रही है मुझे। कुछ चीज़ें अचानक से आपको बहुत बोल्ड तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा, एंड ये चीज़ आपके लव लाइफ में मुझे दिख रही हैं 4 चांद लगाने वाला है। बहुत टाइम से आप कोई स्टक सिचुएशन में हो सकता है, तो उस सिचुएशन से आप अचानक से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। एंड जो लोग सिंगल पर्सन हैं, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, कोई एक इंसान बहुत टाइम से आपको चाह रहे थे, आपको प्यार कर रहे थे मन ही मन, बट बता नहीं पा रहे थे, हो सकता है डर रहे थे, हो सकता है आपका डर हो सकता है
या फिर समाज का हो सकता है या फिर उनके घर वालों का हो सकता है, नो मैटर, बट कुछ एक स्टक एनर्जी उनके अंदर काम कर रहा था, तो वो इंसान इस टाइम पर अचानक से आपके पास एक प्रपोजल लेकर हाजिर हो सकते हैं। इस चीज़ की चांस 90% बन रही है अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो, एंड साथ में ही दिख रही हैं अगर आप ऑलरेडी कमिटेड भी हो तो भी यहाँ पर एक प्रपोजल आने के चांसेस हैं। ओके एंड यस, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। थ्री ऑफ कप्स का जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, वो सेलिब्रेशन की बात करता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस टाइम पर आपका शादी तय हो जाए अगर आप किसी को चाहते हो मन से, एंड आपके घर वाले बहुत टाइम से नाराज थे हो सकता है आपसे या फिर उनसे आपके पर्सन से। सो यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके घर में, आपकी शादी से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई शुभ कार्य मंगल कार्य हो सकता है, कोई पूजा पाठ आपके नाम पर रखवाया जा सकता है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख रही है एंड कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है आपके फैमिली के लोगों को आपके ऊपर हो सकता है या फिर आपके पर्सन को आपके ऊपर हो सकता है। जो हो सकता है बहुत टाइम से डगमगा रहा था वो चीज़ स्टेबल होने वाला है, मतलब कि ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। यस देखो ये जो सेलिब्रेशन का पार्ट होगा ये आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आने वाला है। इस टाइम पर बहुत सारे लोग आपके घर में आते हुए दिख रहे हैं, आप इस टाइम पर बहुत सारे लोग आपके घर में भी आ सकते हैं, आप भी जा सकते हो कहीं पर, बट ओवरऑल एक गेट टुगेदर, एक सेलिब्रेशन का मौका बन रही है आपके लव लाइफ में। आप इस टाइम पर अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमने जाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को शेयर करते हुए दिख रहे हो, मौज मस्ती करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। ओके तो जो भी प्रपोजल गिफ्ट आपको मिलेगा, जो भी ऑफर आपके पास आएगा, ओवरऑल नवंबर महीने में दिख रही है मुझे, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। ओके सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका एक मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है लव लाइफ के साइड से। अगर आपका कोई क्रश भी था तो यहाँ पर दिख रही है उस क्रश के साथ आपका चीज़ें आगे बढ़ने वाला है। नवंबर महीना आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ डिफर करें। ओके एंड यहाँ पर द सन का कार्ड है जो कि यहाँ पर रीडिंग में आकर ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑलरेडी कर दिया है रीडिंग को। तो सन का कार्ड ये बता रहा है कि इस टाइम पर डेफिनेटली एक मैरिज प्रपोजल कोई आपको देने वाला है। इस टाइम पर आपका शादी फिक्स्ड हो सकता है, आपके घर वाले आपके लिए अच्छा रिश्ता लेकर आ सकता है, एंड साथ में ही आपके साथ आपके ऑपोजिट के पर्सन का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है या फिर कोई क्रश है, उनके साथ चीज़ें बहुत पैशनेटली आगे बढ़ने वाला है। आप दोनों इस टाइम पर फिजिकली पास आते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को शेयर करते हुए दिख रहे हो, सिर्फ बातें नहीं चीज़ों को भी। फाइन, आप इस टाइम पर उनको कुछ गिफ्ट कर सकते हो, वो आपको कर सकते हैं, आप उनको डेट पे ले जा सकते हो, वो आपको ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इक्वली गिव एंड टेक वाला एक प्यार दिख रहे हैं जहाँ पर हार्मोनियस लव एग्जिस्ट करेगा, एंड ये चीज़ टेम्पररी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, सो लॉन्ग टर्म का एक कनेक्शन बंधने जा रहा है आपके साथ किसी इंसान का। फाइन, सो ये मन का कनेक्शन होने वाला है एंड इसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से इन्जॉय करने वाले हो, एंड ये चेंज ला रहा है डिवाइन आपकी लव लाइफ में। ओके सो यहाँ पर देख सकते हो ये जो चेंज का कार्ड है ये द सन कार्ड के साथ आया है, तो हो सकता है कि इस टाइम पर कोर्ट मैरिज आपका हो जाए, लिटरली सामाजिक जो शादी है ना वो ना हो, वो बाद में हो, किसी और साल में हो, बट कहीं ना कहीं नवंबर महीने में कोर्ट मैरिज हो जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हद तक बन रही है, रजिस्टर मैरिज जिसको कहते हैं। एंड यस एंड देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो ईना नियांग का साइन है ना ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को डिफाइन कर रहा है। नवंबर महीने के बाद से आपके भाग्य में बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ें एंटर करेगा, मतलब कि अभी तक हो सकता है आपका लक आपका साइड नहीं ले रहा था तो इस टाइम के बाद से लेने वाला है। आपके साथ उस इंसान का मन जुड़ने के साथ साथ ही ना कुंडली जुड़ जाएगा एंड कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए बहुत हद तक लकी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके सो कुछ बर्डन्स, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं आपके लाइफ में, ओवरऑल चेंज आती हुई दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से। ओके लव लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो भाग्य आपका साथ देने वाला है एंड कहीं ना कहीं ये जो बंधन होगा ये बहुत सा लकी साबित होने वाला है। एंड देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस आपकी लाइफ में अभी तक हो सकता है फ्रीडम नहीं था, तो वो फ्रीडम आपको मिलने वाला है लव लाइफ की साइड से। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाला है,
कुछ ब्लॉकेजिंग सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर इस ब्रेक थ्रू कार्ड को आप देख सकते हो, तो बहुत टाइम से चला आता हुआ कोई ब्लॉक्ड सिचुएशन, बहुत टाइम से चला आता हुआ कोई मनमुटाव, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें क्लियर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। चीज़ें एकदम से ना ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड कुछ डेट्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे कि 19 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, डेफिनेटली 12 तारीख इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड साथ में 11 तारीख, 10 तारीख, 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यस, ओवरऑल ये महीना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड 5 तारीख भी इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं आपके लिए, फाइन। एंड आपके लिए लकी कलर दिख रही है मुझे वाइट एंड येल्लो, एंड कुछ टाइम के लिए आप रेड भी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यस, थैंक यू एक्वेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।